नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे भारत सरकार के जो वित्तीय सलाहकार थे, उनके मुख्य वित्तीय सलाहकार जो थे, आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के, अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफा देने की वजह को अपना पर्सनल वजह बताया है, जो उनका व्यक्तिगत फैसला था उसको वो बताया है, और कुछ निजी वजहों से वो इस पद से इस्तीफा देके वापस अमेरिका जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दिया। इस पूरे मामले की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे सामने कोई भी ऐसी स्थिति नहीं छोड़ी थी जिससे उनका इस्तीफा स्वीकार न किया जाए, इस वजह से हमें इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा और ये उनकी निजी वजह है, उनका निजी फैसला है। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। इस पूरे प्रकरण पर हम बात करें, इससे पहले हम आपको बताएं कि अरविंद सुब्रमण्यम आखिर हैं क्या और उनका काम क्या था। तो अरविंद सुब्रमण्यम भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, जो आर्थिक से लेके हर जितनी भी चीज़ें होती थी सरकार की, उन पे अपने सलाह देते थे, राय देते थे। यहाँ तक कि ये एक औपचारिक जो बहस होती है, औपचारिक बातचीत के साथ साथ अनौपचारिक चीज़ें भी होती थी जिसको वो सरकार के साथ साझा करते थे। वित्त मंत्री के जो स्पेशल टीम होती थी, कोई भी बिल पास होना हो, जीडीपी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ों को मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं वो अपनी राय उस पर रखते हैं और सरकार को गाइड करते हैं, एक तरीके से एक सही रास्ता प्रशस्त करते हैं कि उनके हिसाब से ये होना चाहिए। किसी भी नीति की समीक्षा करना, हर काम जो होता है वो मुख्य सलाहकार के अंदर में आता है और वो उस चीज़ पे अपनी राय देते हैं सरकार को। 2014 में रघुराम राजन की जगह पे इन्होंने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में शपथ ली थी, पद संभाला था, जिसके बाद रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर बने थे। और इसके बाद अब जाके इन्होंने अपने कार्यकाल से इस्तीफा लिया और ये खुद को वापस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम के करियर को देखें तो कई सवाल भी उठे उनके करियर पे, और 4 साल जो इनके बीते हैं इस पे, पिछले साल यानी 2017 में भाजपा के राज्यसभा सांसद और दिग्गज नेता, मुखर नेता कह सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कई सवाल खड़े किए थे अरविंद सुब्रमण्यम पर। उन्होंने कहा कि ये अरविंद सुब्रमण्यम जो हैं ये सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्ति हैं, डिग्री धारक हैं, जो कि अमेरिका के तरफ से हमारे ऊपर थोपे गए हैं। यानी कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम पर ये आरोप लगाया था कि अरविंद सुब्रमण्यम के पास बहुत दूरदृष्टि नहीं है, वो सूक्ष्म सोच रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं और ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते, और ये अमेरिका का वो प्रोडक्ट है जो हमारे ऊपर थोपा गया है विदेशी डिग्री के जरिए। तो कई विवाद भी रहे अरविंद सुब्रमण्यम के जो कार्यकाल रहा है उस पर, कई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी उन पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। अपने पद को त्याग के अपने परिवार के साथ समय बिताने का जो फैसला है, ये अरविंद सुब्रमण्यम पहले व्यक्ति नहीं है सरकार में जो इन्होंने ऐसा फैसला लिया। इससे पहले अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के मुख्य अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उन्होंने भी इसी तरह की इच्छा जाहिर करते हुए अपना त्यागपत्र दिया था और अब अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो हैं हम आपको YouTube और Facebook के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारे वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।